हेलो गाइस, के लिए टॉपिक यूनिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, ये सीरीज चल रही थी मेरी हिस्ट्री की, और मैं इसका बता दूँ इसका सोर्स कहाँ कहाँ से लिया है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी दिक्कत नहीं रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ऐसे मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसका सोर्स मैंने कई जगह से लिया है, कहीं से अटकने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली बात तो स्टार्टिंग NCERT में पढ़ के करता हूँ, NCERT का पूरा ब्रीफ डिस्कशन, यानी पूरी NCERT पढ़ने के बाद उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं खुद बनाता हूँ, और उसके बाद बन गए मेरे क्वेश्चन, सेकंड NCERT क्वेश्चन बन गए, सेकंड बार लूसेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कराता हूँ, और तीसरा घटना चक्र, और चौथा अपना अरिहंत। इन चार किताबों से सोर्स है, यानी एक टॉपिक को मैं इन चार किताबों से निपटाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ, राइट, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटके और पेपर में आप 100% नंबर लाएं। ओके, तो जिस तरीके से ही बन सकता है कैसे बन सकता है, अब हमें अपडेट होना पड़ेगा गाइस। ये पहली वाली बात नहीं कि प्रीवियस पेपर आपने कर लिए और बिना कॉन्सेप्ट के आप कर लिए, अपडेट होने का मतलब यह है कि अब वो प्राचीन इतिहास से भी पूछ सकता है। पहले वो कह देते हैं ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन और उसके कर लो आधुनिक के, नहीं, अब वो अपडेट कर दिया है, तो अब वो पुरातात्विक, प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इधर भी जाएगा। जहाँ बच्चे नहीं पढ़ेंगे वहाँ आपको सब कुछ कवर करना है, इसलिए मैं सब कुछ कवर करा रहा हूँ। यानी ये PCS, UPSC और अपने PET में तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। यानी जिस तरीके से बन सकते हैं हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ये गारंटी है गाइस। ओके, उसके बाद मैं बता दूँ ये कराने का स्टाइल क्या है, कि आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले मैं, कि कैसे कैसे आपको फील कराऊंगा, मैं फील कराऊंगा ये हिस्ट्री, कि आपको उस जगह ले जा कर पहुँचा दूंगा और आप क्या क्या करेंगे, फील होगे। उसके बाद जो फैक्ट अपने, जो लोग ऐसी डायरेक्ट करा देते हैं, उसे मैं आपके दिमाग में बिठाऊंगा बाई ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो जहां मैंने आपका हिस्ट्री का करा दिया था, मैंने कल बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको, कि हम हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ई मतलब ऐतिहासिक काल। तो ये उनके लिए हैं जो थोड़े बहुत हिस्ट्री समझ सकते हैं, बिल्कुल न्यू कमर है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते, वो भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको खुद घर पे जाके बुक में से एक बार पढ़ लेना, खुद समझ में आएगा। मैं सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ, ना कि आपको बुक की लाइन रटवाने, सही है। तो पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा अपना ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है अपना लिखित जानकारी यहाँ नहीं मिली है, यहाँ लिखित मिली है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, और यहाँ लिखित भी मिली है और पढ़ भी सकते हैं, सही है। तो इसके अंदर जो आता है प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, इसके अंदर पाषाण काल आता है, सही है, और इसके अंदर आता है सिंधु सभ्यता, जिसमें हड़प्पा से लेकर और नीचे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब आती है, और इसके अंदर अपना आता है प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल, सही है, जो अपने पढ़ते हैं, जो यहाँ से लूसेंट में कराया जाता है। अब वो यहाँ से भी देंगे, पाषाण काल का भी देंगे और सिंधु तो देते ही हैं, सिंधु लूसेंट में है ही। तो अपना पाषाण काल को मैंने कल तीन भागों में डिवाइड कराया था। इस पाषाण काल में पहला जो है अपना, पहला पाषाण काल कौन सा है, पुरा पाषाण काल, दूसरा अपना मध्य पाषाण काल, और तीसरा अपना नव पाषाण काल। तो इसमें मैंने पुरा पाषाण और मध्य पाषाण आपको ईजिली आपके दिमाग में बिठा दिया था एक एक क्वेश्चन। अब मैं कराऊंगा आपको लास्ट वाला नव पाषाण काल, जो कि इम्पोर्टेंट है, सही है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं नव पाषाण काल। ये आपका 5K से, यानी के का मतलब हजार, 5K से 3K तक चला, 5000 ईसा पूर्व से, यानी BC से 3000 ईसा पूर्व चला। अब आपको मैं यहाँ बिठा दूंगा, अब हम सदी में लेके चल रहे थे, पहले मैं गया था पुरा पाषाण काल में, उसके बाद गया था मध्य पाषाण काल में, अब हम चलते हैं अपने नव पाषाण काल में, देखते हैं अगर हम उस जगह होते तो कैसे फील होता हमें और क्या क्या हम रिएक्ट करते, तो वो चीज़ जो हमें हुआ है वो इनके साथ होगा। तो अब हम चलते हैं नव पाषाण काल में, अब आप एंटर हो जाइए, सही है। तो अब हम लेके चलते हैं बहुत पीछे, तो जब आप देखेंगे कि आपके पास जानवर भी हैं, इस समय आप खेती भी करने लगे हैं, आप पशुपालन भी करने लगे हैं, तो थोड़ा अपडेट यहाँ भी होते चलेंगे। तो जब नव पाषाण काल में पहुँचेंगे तो अब ये जानवरों को पालना शुरू कर देंगे, यानी अब इन्होंने सबसे पहले जो अपना पालतू पशु बनाया, जो पालतू पशु बनाया वो कुत्ता बनाया। तो देखिए, हम भी होते या आप भी होते तो पहले, यानी कुत्ते से इतने फ़ायदे हैं कि रखवाली भी कर सकता है
और वो वफादार भी होता है, और वो काटने पे वो मरता भी नहीं है इंसान, एक तरह से इसे कब्जे में लिया जा सकता है, इसलिए कुत्ते को उन्होंने अपना पालतू जानवर बनाया। सही है, तो ये पूछेंगे किस जानवर को बनाया, तो कुत्ते को बनाया। तो अब फील करिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा 2 मिनट में। उसके बाद क्या है, देखिए इसमें एक शहर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़, तो इसमें मैक्सिमम रटने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, कोलडेवा यानी कोलडेवा से क्या मिला है, मेहरगढ़ से क्या मिला है, ऐसे पूछते हैं। कहानी को तो मैं भी सुना दूँ आपको पूरी पूरी, लेकिन उसमें से क्वेश्चन तो नहीं आते ना, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, मेहरगढ़ से क्या मिला है, कोलडेवा से क्या मिला है, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन। तो देखिए जिन शहरों से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे वो मैं आपकी डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो इसकी ट्रिक है, मे को बादाम चाहिए, सही है, मे को बादाम चाहिए, तो चाहिए का कोई रोल नहीं है, तो मे को बादाम, तो मे से हो गया मेहरगढ़, को से हो गया कोलडिवा, बस इन चारों के अलावा एक भी आपसे नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली। आपको 60 60 मिनट लगाते हैं, मैं आपके कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, सही है। अब बादाम मतलब बी बादाम, ऐसे लिख देना बादाम, BDM बादाम। बी से हो गया बुर्ज, जैसे बुर्ज खलीफा नहीं है, बुर्ज होम, सही है। और डी से हो गया अपना दैमाबाद, 1 मिनट रुक जाइए। बी से बुर्ज होम, डी से दाउजली बैंड हेडिंग, और एम से हो गया महागणा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद है ना, स्टार्टिंग के वर्ड वो ही आपके काम कर जाएंगे, कोई पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। मेहरगढ़ याद है, कोलडिवा याद है, देखिए बस 2 मिनट रुक जाइए, आपको तुरंत याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, मे को बादाम लो। अब बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछता, इससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो देखिए मे मे मतलब मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से क्या मिला हमें, गेहूं और जौ। केवल इनका पहले का एम ही याद रखिए, आपको पूरे पूरे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बुर्ज होम, इसका DA याद रखिए, इसका एम याद रखिए, इससे याद हो जाएगा। ऐसी दूसरा क्या अपना कोल्डिवा, कोल्डिवा से क्या मिला हमें, चावल, या जो है कोल्डिवा से हमें चावल या धान, सही है। बुर्ज होम के लिए पूछते हैं कि बुर्ज होम में क्या मिला है, बुर्ज होम में हमें मिला है कुत्ते के शव, कुत्ता शव और गर्द आवास, गर्द आवास। आप लिखते चलिए तभी मजा आएगा। देखिए दावजली से क्या मिला, दावजली, दावजली से आपको याद आ जाएगा दावजली। तो दावजली सिर्फ ये पूछते हैं कि दावजली कहाँ पर है, तो ये नप्पासाड़ काल में है, इससे कुछ नहीं मिला है। और अपना क्या है, महागढ़ा, महागढ़ा कहाँ है, ये भी नप्पासाड़ काल में है, सही है। मिलेगा तो बता दूंगा, ये जो भी लिखवा रहा हूँ केवल। और लोहरा द्वीप इंपॉर्टेंट है, जहाँ फसल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, अपने कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के फर्स्ट प्रथम साक्ष्य यही मिले हैं। तो सिंपल था है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आप 1 1 घंटे के लेक्चर मत देखिए, यही आता है, मैंने पूरा एनालिसिस करा है। तो इन इन पांचों के अलावा, छहों के अलावा कोई नाम नहीं आता, और कोई नाम है भी नहीं, NCERT तक में नहीं, कहाँ से देंगे। तो आपका ये क्लियर हो गया, तो बस ये बस इतना ही है। और इसमें जो है एक चीज़ सुन लीजिए, अब मैं बता देता हूँ एक बार और रिवाइज, जो नप्पासाड़ काल है इसे मेघालीत कहते हैं, क्या कहते हैं, मेघालीत, मेघालीत कह दिया। और इसका जो है 5K से 3K तक, ईसा पूर्व तक अपना, इसका BC तक ये चला है। और इसमें मैंने बताया दिया है मे को, जो अपनी ट्रिक है, मे को बादाम लो। और इसके नीचे क्या है, मेहरगढ़। अब आपको मेहरगढ़ से क्या मिला है, सर्वप्रथम साक्ष्य, मेहरगढ़ से क्या मिला है, सर्वप्रथम फसल यानी गेहूं जौ, गेहूं जौ जो उपजने की विधि है वो मेहरगढ़ से मिली है, कोलडिवा से चावल, बुर्ज होम यानी कुत्ते का शव, और गर्त आवास यानी गर्त आवास,
और कुत्ते को दफनाने का यह शव, कोल्डिवा चावल, मेहरगढ़ गेहूं जो, मेहरगढ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया। और इसे ये दोनों नाम याद रखने हैं बस, ये मतलब दार्जिलिंग से याद रख लीजिए, दार्जिलिंग दार्जिलिंग दार्जिलिंग, तो दावजली दावजली इसका नाम है, दावजली, और इसका नाम है महागड़ा, तो एम ए और डा आ से आपको याद आ जाएगा। और लोहरा देव अपने फसल के प्रथम साक्ष्य, बस इतना ही है। और अब मैं इसको कहानी के रूप में एक बार और पेश कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में और अच्छी तरह बैठ जाए। अब देखिए आखिरी बार नवपाषाण काल में अच्छे से चलते हैं, फील करते रहना क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले इंसान आया, इंसान कहाँ मिला, नर्मदा नदी के तट पर इसके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं, नर्मदा नदी के तट पर, सही है। इंसान आ गया, उनने फिर पशुपालन करा, कृषि करी, सही है। अब हम क्या करेंगे भाई, कृषि के बाद कुत्ता पाला उनने, कुत्ता ही पाल लिया, और इसके इसे जो है, जब अब मरेगा भी इंसान, मरने के बाद वहाँ के लोग क्या करते थे कि इसे बकरी के साथ दफनाते थे, ताकि उनका मानना तो ये था कि ये दूसरा जन्म लेते हैं और इनके साथ जो है कोई ना कोई जाना चाहिए, ऊपर जो है बकरी खाने के लिए कुछ भी हो, जैसी उनकी मेंटलिटी हो उस तरीके से ये करते थे। अब ये रहते कहाँ थे, रहने का स्थान इन्होंने बहुत अच्छी तरह बना रखा था, जो कि बुर्ज होम बोला है ना मैंने उसको, उस वहाँ मिलाया साक्ष्य इसके कि ये गड्ढे के नीचे रहते थे, कहाँ रहते थे, गड्ढे के नीचे, और गड्ढे में सीढ़ियाँ होती थी, गड्ढे में सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए, इससे इन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी, ठंड नहीं लगती थी इन्हें, और ये आग जलाने का भी इनका इनके पास इस इंतजाम था, जो कि पुरापाषाण काल से ही पता चल गया था, सही है। और ये घर के अंदर, जहाँ हम भी होंगे या आप भी होंगे, घर के अंदर या बाहर दोनों जगह खाना बना लेते थे, घर के अंदर भी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, दोनों तरफ खाना पकाते थे ये, सही है। और अब देखिए पुरापाषाण काल से, और ये बिल्कुल भिन्न है, पुरापाषाण काल से ये बिल्कुल भिन्न है नवपाषाण काल, यानी इसमें औजार जो हैं थोड़े अपडेट वर्जन हो गया है, पहले तो औजार का पता ही नहीं था, लेकिन इसमें औजार का पता चल गया है, तो नवपाषाण काल इसलिए तो बोला गया है। तो औजार की धार पहना करने के लिए पॉलिश करते थे ये, क्या करते थे, ये सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, ये आता नहीं है इतना, जो आता है वो मैंने बता दिया, जो ये कहानी आपको पसंद है ना यूँ बता रहा हूँ, जो लोग मास्टर खा जाते हैं ना आपके दो दो एक एक घंटा, ये कहानी में तो खाते हैं, जो कि आता नहीं है, आता क्या अपना, जो मैंने बताया था ट्रिक से, जो बताया अभी, मेहरगढ़ में क्या साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के, कोल्डिबा में चावल के, ये आता है। तो कहानी आपको पसंद है तो भाई सुन लो, मज़ा आ रहा होगा। तो ये धार जो है पैना करने के लिए पॉलिश करते थे, यानी कोई भी चीज़ है ये गड्ढा खोदेंगे तो इसको जो है कभी कभी आ जा सकता है, तो इसको जो पैना करने के लिए क्या करेंगे, पॉलिश लगा देते थे इस पर, औजारों पर, सही है। और ये औजार जो है हड्डी के बनाए जाते थे, कुछ औजार हड्डी के भी बनाए जाते थे। और चीज़ अब भाई ये पीसेंगे कैसे, कोई भी चीज़ ना पीसनी है तो अब तो एकदम कुट 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 ओखली में कर देते थे, तो इन्होंने भी ओखली और मूसल का इंतजाम कर लिया था, तो ओखली और मूसल इनके पास भी हो गई थी। तो भाई ये नवपाषाण काल के बंदे हैं जो आज भी यूज़ करते हैं, सही है। और ये मिट्टी के बर्तन, यहाँ इनके पास बर्तन तो थे नहीं जो अपने आज के ज़माने में जो बर्तन है, तो ये मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, कौन से बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, इनका यूज़ वो खाना बनाने के लिए भी करने लगे बाद में। अरे भाई मिट्टी के बर्तन का यूज़ जो है कोई चीज़ रखने के लिए करते थे पहले ये, कि इसके अंदर कोई चीज़ रख लो, उसके बाद इन्होंने देखा अरे ये तो पक भी सकता है इसके अंदर, तो ये खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। तो मिट्टी के बर्तन जब इन्हें अच्छे लगने लगे तो ये इन पर अलंकृत कर दिए थे, यानी कुछ ना कुछ इस पर सजा दिए थे, तो ये भी इसके प्रमाण मिले हैं। तो पहले चीज़ें रखनी शुरू कर दी, उसके बाद इसने इन्होंने खाने बनाने का भी यूज़ करना शुरू कर दिया। और इन द लास्ट नॉट लीस्ट, इन्होंने जो है नवपाषाण काल वालों ने क्या करा था, कपड़े जो है बुनना सूख लिया था, बताओ कपड़े बुनना सीख लिया था, कपड़े बुनना भी जान गए थे ये। और यहाँ कपास मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास वाला याद रख लेना, कपास कहाँ मिला आपका, नवपाषाण काल में। और इन्होंने पौधे उगाना भी सीख लिया था, पौधे को उगाना भी सीख लिया था, सही है।
तो नॉर्मल सी बात है, जो जो अपनी घटनाएं आज आजकल भी हो रही हैं वो सीख हम नपाषाण काल के ही एक तरह से अपडेट वर्जन है। जो पौधे भी उगाना सीख गए थे, कपड़े भी बुनना सीख गए थे, कपास भी सीख गए थे, इनके पास ओखली भी थी जो पीसने के लिए कार्य करते थे, जो पॉलिश करते थे अपने धारदार हथियारों को, और ये हड्डी से बनाते थे हथियार। तो ये आपका आज का सेशन ख़त्म हुआ, जिसमें हमने सीखा कि जो तीन भागों में बांटा है इतिहास को, देखिए इतिहास के पिता हिस्टोरिकल हेरोडेटस कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा है, जो कि आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और अपना ऐतिहासिक काल, इसमें आता है पाषाण युग, इसमें आता है सिंधु सभ्यता, इसमें आता है सिंधु सभ्यता और इसमें आता है प्राचीन मध्य और प्राचीन मध्य आधुनिक। पाषाण काल के मैंने तीनों ख़त्म करा दिए हैं। पाषाण काल में तीन होते हैं ना, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इन तीनों को ख़त्म करा दिया बहुत ही अच्छी तरह। अब हमारा कल से सेशन शुरू होगा सिंधु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बिठा दूंगा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्विज लगाऊंगा तो आपको ट्रिक वाइज और बिठाऊंगा। तो गाइस मेरा ट्रिक पूरा यूनिक है, यूट्यूब चैनल पे अलग ही स्टडी होती है, जो कि मेरा बस एक ही उद्देश्य है आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो, टाइम सेव करना सही है और क्वालिटी कंटेंट देना, बस यही उद्देश्य है। और लाइव क्लास मैं लेता नहीं, क्योंकि लाइव क्लास से टाइम वेस्ट होता है, अधिकतर लोग लाइव क्लास से सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो, बहुत फर्जी सब्सक्राइब कर रखे होंगे आपने, एक बार मेरे चैनल पर भरोसा करें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो ट्रिक मेरी यूट्यूब पे यूनिक सीरीज है उसकी जीके की ट्रिक एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, और इससे आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा सही है। लोग करते हैं उनकी जीके की ट्रिक अलग है, मेरी अलग है। तो मैंने 7 भागों में बांट रखा है, जिससे कि आपका तुरंत आपके दिमाग में एग्ज़ाम में तुरंत फीड हो जाएगा, कभी नहीं अटकेंगे आप। ये भी ट्रिक आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि 1000 बंदे होने वाले हैं, और दूसरा व्हाट्सअप ग्रुप जिसमें कि आपके फुल होने वाला है। तो दोनों में आप ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको अच्छा लगे, और जो भी बात है अपने कमेंट में कह सकते हैं। लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।